हो गई है और हम निकल चुके हैं मार्केट की तरफ। तो हम आए हैं सदर बाजार। तो मॉर्निंग में पटरियों पे ये मार्केट लग चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं पटरियों पे आपको जो भी मार्केट में सामान मिलने वाला है वो सब चीपेस्ट रेट में होता है इस यहाँ पे, और सबसे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ से ले जाके आप अपनी दुकान में सामान बेच सकते हैं, या फिर आप जैसे कि चाहे बाज़ारों में जैसे सेल होते हैं आपके एरिया में कोई मार्केट हो गया या अदरवाइज़ कहीं पर भी हो गया वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं आपको। मार्केट आइटम्स लेने हैं तो आप यहाँ आ सकते हो सदर बाज़ार, सुबह टाइम लगता है। ये आपको यहाँ पे मिलते हैं सस्ते 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 प्रोडक्ट्स। सदर बाज़ार जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट लग चुकी है, और सुबह के हो रहे हैं 7:30 हो चुका है, मॉर्निंग के 7:30 बज गए हैं, और मार्केट आप देख सकते हैं यार पटरी पे जो मार्केट लगता है सदर बाज़ार में, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप लोग लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, मार्केट देख सकते हो आप। मॉर्निंग में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी, बट इसके अंदर एक फैस चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, जैसे कि आप पटरी पर सामान ले रहे हो तो आपको फिर दोबारा ढूंढने के लिए जैसे कि रिटर्न सामान करना पड़े तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि दुकानें सुबह के टाइम में बंद रहती हैं। जो ऑलमोस्ट दुकानें जो खुलती हैं वो सुबह 10 बजे के बाद से दुकानें खुलने चालू होती हैं, जो दुकान से सामान मिलते हैं पटरी पर सामान मिल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स ये तो भरोसा कर नहीं सकता, बिटवीन फिर भी बंदे फिर भी सामान ले जाते हैं ऐसे बहुत सारे, और यहाँ पे रेडियो के सामान मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें की दुकानें हैं ये एक तरह से, बंदे दूर दूर से आके यहाँ से सामान बेचने आते हैं और वो अपने सामान प्रोडक्ट बेचते हैं, और यहाँ से पेमेंट जो होती है वो अपना अपने यहाँ से ले कर चले जाते हैं। और उसके बाद जो भी जैसे कि आप मार्केट में सामान ले जाना चाहते हो तो यहाँ से आप बहुत सारा सामान खरीद के एक ही बार में टेम्पो करो और अपने यहाँ पे ले जाओ तो बेनिफिट है, वरना एक एक सामान खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि जो भी सेलर होगा वो आपसे रिटेल में कभी बात करेगा ऑलमोस्ट वो हमेशा होलसेल में ही प्रोडक्ट देगा आपको, तो आपको होलसेल में ही सामान खरीदना पड़ेगा यहाँ से। सामान खरीदने के लिए हमेशा होलसेल में ही आपको बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आकर आप होलसेल में सामान खरीद के अपनी दुकान कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज़ आपको अदर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी कम हैं, और समझ जाओ कमेंट ज़्यादा नहीं आते तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा कि आप लोग कैसे नहीं। अभी दिवाली का सेल, दिवाली में बहुत दिवाली के लिए बहुत सारी बिक्री है, तो आप अभी भी जाके शॉपिंग कर सकते हो, दिवाली के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पे, तो वहाँ से ला सकते हो, वहाँ से ला के आप मोस्टली नहीं तो नहीं 50% से ज़्यादा आप कमा सकते हो, जितना आप लगाओगे उससे ज़्यादा कमा सकते हो, मतलब 100 का लाओगे तो आप 200 कमाई लोगे कैसे भी करके। जो भी मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है, आप लेना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, अगर आपकी दुकान है तो आप यहाँ से होलसेल में वहाँ से सामान ले सकते हो। कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट आपको ऑलवेज सभी टाइम मिल जाता है, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट के लिए दुकानें भी खुली रहती हैं शाम दोपहर में, और सुबह के टाइम पे तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। दिवाली का सामान तो इसमें मार्केट में पड़ा हुआ है अभी, तो आप लोग अगर दिवाली के लिए कुछ सामान बेचना चाहते हो तो आप यहाँ आ जाइए अभी, और करवा चौथ का भी सामान है तो आप ले जा सकते हैं और ले जाके बेचिए, और प्लास्टिक के टॉयज तो वो ले गए के लिए आया, मैं आया था अपने दोस्त के साथ, कुछ नहीं दिख रहा लेकिन लोगों की भीड़ दिख रही है और कुछ नहीं है, और कोरोना वायरस दिख रहा है। कॉस्मेटिक्स और ग्रीन कॉस्मेटिक्स, सनग्लासेस और जूते चप्पल, राजा लस्सी भंडार। ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।